Sudhir Mungantiwar, Cabinet Minister from Maharashtra, is joining us on the phone line. Sudhir ji, pehle jo ye bahut hi shocking aur tragic news aa rahi hai Cyrus Mistry ke bare mein, agar aapki taraf se iske bare mein koi jankari mil paaye to hamare sath share kijiye. मुझे तो आपकी ओर से ही जानकारी मिल रही है क्योंकि मैं बैठक में था जी. अगर ये घटना है तो बड़ी दुर्दैवी घटना है. जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए पायाभूत सुविधाओं का निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया है, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनी खोलकर इस देश के बहुत लैंडमार्क काम किए हैं, उनका निधन ये सभी के लिए एक दुर्दैवी बात है और ये दुखदायक बात है. मैं समझता हूं कि ये अपघात पायाभूत सुविधाओं का निर्माण करने वाले एक व्यक्ति को हवाले से दूर ले गया है, ये निश्चित रूप से सभी के लिए दुखदायक बात है. जी, महाराष्ट्र सरकार इस वक्त क्या एफर्ट कर सकती है या फैमिली को रीच आउट करिए कंडोलेंसेस के लिए? अभी तक जी हम सबसे बात करके आगे इस विषय को उनके साथ चर्चा और संवाद करके योग्य निर्णय महाराष्ट्र सरकार करेगी. अब साइरस मिस्त्री के कंट्रीब्यूशन के बारे में सर थोड़ा सा और, अगर आप अपनी तरफ से जो आपको लगता है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में कुछ बताइए. नहीं, बहुत सारी बातें हैं. अभी तो हमारे राज्य का जीएस भवन भी वो बनाते हैं, कई जगह पे उन्होंने रास्तों का निर्माण किया, मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने बनाए हैं, कई सरकारी इमारतों के साथ कई लैंडमार्क बिल्डिंगे उन्होंने बनाई है. अभी हमारे महाराष्ट्र का जीएसटी भवन वो बना रहे, जो जीएसटी भवन कम से कम 700-750 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य का है. तो ऐसे बड़े बड़े लैंडमार्क उन्होंने बनाए हैं, कई देश में कई रास्ते हाईवे ये बनाने में भी उनका योगदान रहा है. और उनके कंपनी के बारे में, क्वालिटी के बारे में हमेशा वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे. देश निर्माण में कुछ वो काम करना है ये सोच के वो काम करते थे. मुनाफा तो हर कंपनी कमाती है, मगर मुनाफे के साथ जो भी काम करो वो राष्ट्र निर्माण के लिए हम कर रहे हैं, ये भावना के साथ काम करना ये उनकी खासियत थी. सुधीर जी, एक बात जो आपसे हम जानना चाहते हैं, जो एक्सीडेंट की जो पिक्चर्स आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, बहुत ही शॉकिंग लग रहा है. जिस तरह की कार एकदम ही जो उसका फ्रंट पोर्शन है वो बिल्कुल क्रश सा हो गया है. मर्सिडीज कार थी, सड़क पे चल रही थी, अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे. ये आपको, ये जो एक्सीडेंट है उसके बारे में आपको कितना शॉकिंग एलिमेंट जो इस कार क्रैश का है उसके बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करिए. इस बारे में तो एक्सीडेंट की इंक्वायरी करने वाली यंत्रणाएं उसकी इंक्वायरी निश्चित रूप से करेगी. इंक्वायरी के बाद एक्सीडेंट के क्या कारण है वो भी ध्यान में आएंगे. मगर ये बात भी सही है, माननीय रास्ते निर्माण मंत्री श्री गडकरी जी ने संसद में भी इस बारे में चिंता व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि हमारे देश के रस्तों पे जितने अपघात होते उतने अपघात, ये निश्चित रूप से हम सबको चिंता की बात है कि इतने अपघातों में लोगों की जान जाती है, कोई अपाहिज हो जाते हैं. और नितिन जी ने इस बारे में पहला एक कानून भी पारित किया जिस कानून के तहत रोड सेफ्टी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जीव और जान की कीमत पृथ्वी के संपत्ति से भी ज्यादा है, ये भाव के साथ उन्होंने तब भाषण दिया था. और उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है बड़े पैमाने पे माननीय नितिन जी के नेतृत्व में काम भी शुरू हुए हैं, मगर उसके नतीजे जब हम जीरो एक्सीडेंट तक पहुंचना, इसको तो और बातों की आवश्यकता है. पर मुझे विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी इस बातों को भी बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और ये अपघात के बाद निश्चित रूप से हमारे सभी के लिए, समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए ये चिंता की बात है कि हमारे मूल्यवान ज्ञान रस्तों तक घात में न जाए. इस दृष्टिकोण से हम सभी ने इस विषय का मंथन करना चाहिए.
सुधीर जी, पुलिस तो अपनी इंक्वायरी करेगी इस मैटर में, वो पहले ही कह रहे हैं कि वो इस रोड एक्सीडेंट के बारे में इंक्वायरी करेगी, लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार कोई अलग से इंक्वायरी करवाना चाहेगा? क्योंकि मर्सिडीज एक ऐसी गाड़ी मानी जाती है जो जिसमें एक्सीडेंट्स कम होते हैं, लेकिन जो अवस्था में जो गाड़ी दिख रही है वो काफी शॉकिंग है। आपको लगता है अलग से इंक्वायरी की जरूरत है? काम करेंगे उनसे, मैं खुद बात करूंगा डिप्टी सचिव साहब से। सुधीर मुंगंतिवार, मेनी थैंक्स फॉर स्पीकिंग विद अस हियर।